हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। बात करते हैं 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल लीग T20 का दूसरा सीजन चल रहा है। यह लीग दुबई में चल रही है जिसमें 6 टीम्स आपस में खेल रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 9वें मैच की, जो कि खेला जाएगा MI इमिरेट्स और सांझा वॉरियर के बीच में। यह मैच 26 जनवरी को सांझा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 56% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 100% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 0% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 179 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 161 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे MI इमिरेट्स 2 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं सांझा वॉरियर 0 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट एंड ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम MI इमिरेट्स का शॉट एनालिसिस करते हैं। पर टीम ने अब तक 3 मैच खेले जिसमें से एक मैच में उन्हें हार मिली और 2 मैच जीत के आ रही है। टीम टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। MI इमिरेट्स इस सीजन में बहुत सारे अटैकिंग बैटर भी लेके आ रहे हैं, ऑलराउंडर के साथ भी उतर रहे हैं। T20 के एक्सपीरियंस प्लेयर जहां पे निकोलस पुरन टीम के कैप्टन बने हुए हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 39 रन बनाए थे। वहीं आंड्रे फ्लेचर और यू के स्टार बैटर मोहम्मद वसीम बैटिंग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। अम्बाइतु राइडू एंड कुशल प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देके, ड्वाइन ब्रो जो टीम के एक्सपेक्टेड टीम डेविड भी फॉर्म में आ चुके हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो टीम के पास एक्सपीरियंस बॉलर है। टीम ने लास्ट गेम में अबू धाबी को 95 रन पे ऑल आउट कर दिया था। 10 बोल्ट जहाँ पे फास्ट बॉलिंग यूनिट लीड कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। फजल फारूकी ने लास्ट गेम में 1 विकेट निकाले थे, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में कैसीगो बॉलर अकील होसन है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एंड्रे फ्लेचर है, मोहम्मद वसीम है, कुशल परेरा, निकोलस पुरन है, अम्बाइतु राइडू है, ड्वाइन ब्रेवो, अकील होसन, ट्रेन बोल्ट, फजल फारूकी, आसिफ खान है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे निकोलस पुरन है, ड्वाइन ब्रेवो और ट्रेन बोल्ट है। अब बात करते हैं दूसरी टीम सांझा वॉरियर का शॉट एनालिसिस करते हैं। टीम यहां पे न्यू स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टीम को पहले मैच में गुलफाइन से हार मिली थी, लेकिन सेकंड मैच में टीम ने कैपिटल्स को हराकर स्टार्ट कर दिया। टीम के कैप्टन जहां पे कॉलर कैट मोड जो लास्ट गेम में थे। ओपनिंग में जहां पे बात करते हैं तो मार्टिन गुप्टिल है जो वॉरियर्स के लिए ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा जॉनसन चार्ल्स है जो अब तक बेजोड़ बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट 2 गेम में 57 और 93 रन बनाए थे। के पास ओपनिंग में अच्छे स्ट्रोक वाले हैं, वही मिडिल ऑर्डर को भी मजबूत पावर हीटर एंड लो ऑर्डर के पास फिनिशर जो बॉल से काफी दूर तक मार सकते हैं। श्रीलंका के डिक्की वाला जो 4th नंबर पे आ सकते हैं। लोअर ऑर्डर में लियोस जॉर्जी एंड डेरिल सैम सांझा वॉरियर की ये मैच फिनिश कर सकते हैं। टीम की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, टीम के पास बहुत सारे बॉलर है। पिछले साल की बात करें तो बॉलिंग अटैक से क्रिक वॉक्स एंड जुनैद सिद्दीकी को कंटिन्यू रखा गया था। वॉक्स ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। उनके साथ फास्ट बॉलिंग के लिए दिलशान मधुशंका और महेश मधुशंका शामिल होंगे। महेश ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, जहां पे कैश अहमद और मोहम्मद जवादुल्ला जैसे स्पिनरों के साथ एक सॉलिड बॉलिंग अटैक दिखता है। अब बात करते हैं सांझा वॉरियर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मार्टिन गुप्तिल है, जॉनसन चार्ली है, कॉलर कैडमोर है, लियोस जॉर्जी, डैनियल सम्स है, डिक्की वेला है, बसील अहमद है, क्रिक वॉक्स है, मधुशंका है, जवादुल्ला है, महेश थेसना और कशिश अहमद है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे मार्टिन गुप्तिल है, क्रिक वॉक्स है, डैनियल सम्स है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होगा MI इमिरेट्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।